क्वेश्चन नंबर 19 आपका था। ये मासेस दे रखे हैं और बी का एक्सेलरेशन पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो बाहर का ऑब्जर्वर इसको ये अल्टीमेट कहां जाता नजर आ रहा है, लेफ्ट की और ये सी राइट की, ठीक है। पर अगर ये इंसान यहां खड़ा हुआ हो, गैस के ऊपर खड़ा हुआ हो, तो निशन निधर चलेगा, खुद चले चल ना चले, ओके। तो ये ध्यान दें कि सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक ए, ब्लॉक ए, ब्लॉक ए नीचे निश्चित रूप से जा रहा है, लेफ्ट राइट चले या ना चले, और नीचे की तरफ का फोर्स काम कर रहा है, 4 m का मास है, 4 mg इस वेट एंड माइनस 10 है, इज इक्वल टू एम ए, जिसका मास है 4 m, एक्सीलरेशन ए वो भी डाउन है, क्लियर। इक्वेशन 1, ओके, आगे बढ़ें। बात करते हैं बी की, यहां पूरा 7 माइंड से बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, ये इधर जा रहा था, टी इज इक्वल टू, और रोकने वाला कोई फ्रिक्शन लेस सरफेस की तरह, कौन खींच रहा है उसको, टी इज इक्वल टू एम ए, मास है उसका 3 m, पर एक्सीलरेशन बी का एक्सीलरेशन इसके रिस्पेक्ट में, परंतु उसमें से ए से इसका एक्सीलरेशन माइनस कर दो, कि इधर आने के साथ साथ माइनस जा रहा होगा, इतना ही बचा इधर आने के लिए, क्लियर। इक्वेशन 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है वाला, सुना रहा होगा, ब्लॉक सी, ब्लॉक सी के बारे में सोचें, ब्लॉक सी उधर जा रहा है, कौन सा फोर्स उस पर लग रहा है, कहां लग रहा है, ये टेंशन, ये पुली इसके साथ वेल्ड है, इसी का पार्ट है, और नीचे भी लग रहा है, दब रही है, बदब रही है, मिल रही है, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबल, टेंशन टी। अब इस पे इसका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये तो फिसल रहा है उसको, फिसल रहा है, परंतु ए को इसको अपने साथ लेके चलना पड़ रहा है आगे, ए नीचे गिर रहा है कोई दिक्कत नहीं, पर सी के साथ साथ आगे भी चल रहा है, यानी कि इसमें से इधर इसका दबाव पड़ रहा है, इधर माइनस एम ए, मास कितना है इसका, ए का 4 m, एक्सीलरेशन तो सी का एक्सीलरेशन है, ए सी अपने एक्सीलरेशन के साथ उसको ले आ रहा, इतना फोर्स लगा रहा, एक्सीलरेशन मिल रही है बेचारे को, इज इक्वल टू एम ए, एम सी का मास 8 m, एक्सीलरेशन ए सी, केवल सी ऑब्जेक्ट के लिए इक्वल टू एम ए, इसको सही कर लो कहीं इजीली, 4 m ए सी और 8 m ए सी प्लस हो जाएगा 12 m ए सी, इक्वेशन 3। और अब बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, ये जो v का एक्सेलरेशन है, अगर इसके रिस्पेक्ट में सोचें तो ए बी माइनस ए सी,
और इसके रिस्टोरेंट में सोचो ओनली ये भी, और ये बात भी सही है, जो इंसान यहां खड़ा हुआ है उसे तो अगर ये एक सेंटीमीटर आगे चलेगा तो एक सेंटीमीटर नीचे गिरेगा, यानी जो ऐसे एक्सीलरेशन होगा इसका एक्सीलरेशन होगा। आओ सो ए ए इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि बी जो है ए बी जो है हमने सीधे सेट माना हुआ, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, बस अब आपका काम है ये निकालना ना बी का अल्टीमेट एक्सीलरेशन कितना है। तो आप ए बी और ए सी दोनों निकालो इंडिविजुअल, कहने खत्म करो, ए ए को तो आने ही मत दो, ए ए जहां आ रहा है ए दो उसको, ए बी सी निकल जाएगा, ए बी ए सी और डी तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, सो सॉल्यूशन कंफर्म है। तो सिस्टमेटिक चलो, वन और टू को प्लस कर दो, वन और टू को प्लस कर दो, टीटी कैंसिल, फोर एम सी इज इक्वल टू एम कॉम, एम कॉमन ले लो, फोर ए ए, तो फोर ए ए को ए भी लिख दो, या भी ए ए रहने दो, ए भी मान लेना, और थ्री ए बी प्लस थ्री ए बी और माइनस थ्री ए सी, ओके एम कैंसिल, ए ए ए बी के इक्वल है तो फोर ए बी थ्री ए बी सेवन ए बी माइनस थ्री ए सी इक्वल टू फोर जी। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर, यस। अब आप फर्स्ट और थर्ड कट कर लो, वैसे इसको भी कट कर सकते हो, दोनों टी की वैल्यू है ना, इसे भी कट कर लो, ये भी सामने आएगा टू एंड थ्री, टू एंड थ्री, थ्री एम ए बी माइनस ए सी इक्वल टू ट्वेल्व एम ए सी, ट्वेल्व एम ए सी, एम कैंसिल एंड थ्री फोर ट्वेल्व, तो ए बी माइनस ए सी और माइनस फोर ए सी माइनस फाइव ए सी यूनिट जीरो, या जूड कर कैसे हो जाएगी, खास करने पड़ना है कुछ भी कर लो, वो छोटी मोटी बात है, ये छोटी मोटी बात है जैसे मैं जी। अब आप फर्स्ट और सेकंड से फटाफट, सेवन और ए बी है फाइव ए सी, पैंतीस ए सी, पैंतीस ए सी माइनस थ्री ए सी इज इक्वल टू फोर जी, सारे ऑप्शन जी में मेरे ख्याल से, ए बी नहीं चाहिए, ए बी माइनस ए सी चाहिए, स्केल सेट में चाहिए स्केल सेट, तो पैंतीस माइनस तीन बत्तीस, बत्तीस ए सी तो बत्तीस जी पहुंच जाए, जी बटा चार अठे बत्तीस, ए सी आ गया जी वाई एट, और इसका पांच गुना कर दो ए भी आ गया, ए बी फाइव जी वाई एट, ठीक है। सो ए बी माइनस ए सी
नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू माइनस कर दो 5g/8 माइनस जी बाई 8 4g/8 4g/8 में g/2 और पॉजिटिव आ रहा है या जो हम सोच के चल रहे हैं वही इसके एक्चुअल डायरेक्शन वो हम लेफ्ट वर्ड चलते हैं सोचते हैं लेफ्ट वर्ड लेफ्ट ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर समझ आएंगे सारे ऑप्शन सारे स्टेप्स ओके नो प्रॉब्लम